निगमन डिडक्शन, यह एक निगमन का उदाहरण है। पेंगुइन आर ब्लैक एंड वाइट, सम ओल्ड टीवी शो आर ब्लैक एंड वाइट, देयरफॉर सम पेंगुइन आर ओल्ड टीवी शो। इस तरह के कई उदाहरण आपने देखे होंगे, कई ऐसे तर्क आपने देखे होंगे। जानते हैं कि ये क्या है। निगमन एक अनुमान का प्रकार है। जिस प्रकार से हम अनुमान करते हैं, तो अनुमान के कई प्रकार हैं, उसमें से निगमन भी अनुमान का एक प्रकार है। इसमें एक या अधिक आधार वाक्य होते हैं। सबसे पहले बात तो ये, या तो कम से कम एक आधार वाक्य होगा और एक निष्कर्ष होगा। ये किसी भी युक्ति का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसमें या तो एक आधार वाक्य होगा या एक से अधिक आधार वाक्य होगा, उससे हमें निष्कर्ष निकालना होता है। अब निगमन की विशेषता ये मानी जाती है कि निष्कर्ष जो है वो आधार वाक्य की अपेक्षा कम सामान्य होता है। यानी कि आधार वाक्य सामान्य होता है और निष्कर्ष जो होता है वो उस आधार वाक्य से थोड़ा कम सामान्य होता है। इसका एक उदाहरण देखें। जैसे हम सभी मनुष्य बुद्धिशील प्राणी हैं, सभी विद्यार्थी मनुष्य हैं, अतः सभी विद्यार्थी बुद्धिशील प्राणी हैं। तो इसमें सभी मनुष्यों में से हम केवल निकाल लेते हैं सभी विद्यार्थियों को। तो एक तरह से देखें तो आधार वाक्य जो है इसका पहला वो अधिक सामान्य है और निष्कर्ष जो है उसका कम सामान्य है। तो इस प्रकार से जब अधिक सामान्य से कम सामान्य निष्कर्ष निकल जाते हैं तो उन्हें निगमन अनुमान कहा जाता है।